अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, शहर हैदराबाद में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दो केसेस सामने आए हैं। आज सोमालिया और केनिया से आए दो मुसाफिरों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें एक 25 साल केनिया की खातून है और सोमालिया से आया मर्द में ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है, जिसके बाद खातून को टिम्स भेजा गया और सोमालिया से आया शख्स लापता हो गया है। सिटी पुलिस की दानिशमंदी और फौरी मुत्तहिद होने के सबब सोमालिया का ये शख्स अब्दुल्ला अहमद नूर का सुराग लगाते हुए पुलिस ने पैरामाउंट कॉलोनी बंजारा हिल से इसे गिरफ्तार कर लिया और गच्चीबोली के टिम्स हॉस्पिटल में से मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद इस इलाके को बल्दिया की जानिब से सैनिटाइज किया गया। पेश है इस खसूस में कुछ हल किया। केन्या से आए हैं, नैरोबी से इधर तक आए हैं। वो लोगों को संडे टेस्ट लिया गया है। कल रात में पता चला कि वो लोगों को ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, तो वो दोनों को पॉजिटिव है, तो दोनों को अभी किम्स हॉस्पिटल में भेजे। भेजने के बाद अभी पूरा एरिया सैनिटाइज कर रहे हैं, जीएचएमसी वाले पूरे सैनिटाइज कर रहे हैं और हमारे लोग पूरों को टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी टेस्टिंग करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम लोग कर रहे हैं और किधर किधर गए क्या क्या है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पैरामाउंट कॉलोनी में इस तरफ पैक करेंगे और कितने लोगों की यहाँ पर टेस्टिंग होगी। मैं हम लोग एक एक अपार्टमेंट में जा रहे हैं। अपार्टमेंट में इधर नौ में एक ही एक एक अपार्टमेंट में तीन तीन लोग रहते हैं, तो एक एक अपार्टमेंट में जाके वो तीन लोगों को टेस्टिंग करे जैसे देख रहे हैं। और पैकिंग बोले तो ये हकीमपेट कुंटा रोड है ना, वो रोड तक वहाँ पैकिंग करते हैं। फिर ये टोली चौकी के पास और एक है वो रोड, उसको पैकिंग करते हैं। जो भी है पूरा अपार्टमेंट से कवर करते हैं। अभी रात से अभी रात तक कितने लोगों को टेस्ट, कुछ लोगों का टेस्ट करना है, कितने लोगों का? अभी रात से रात में तो 2 बजे वालों को भेजे है, उसके बाद इन्हों अभी मिला है हमारे को, तो तब से स्टार्ट करे है। अभी 83 टेस्ट तो ये इधर हो गए और दूसरे लोग दूसरे करे, अब दूसरे टीम बहुत टीम्स कर रहे है, तो सबका अभी मिला है नहीं मिला के। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह कहते हैं मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज।